ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ततः पौरान् पृक्षमानः धनुषा स्थानम् अच्युतः तस्मिन् प्रविष्ट ददृशे धनुः ऐन्द्रम् इव अद्भुतम्। ततः पौरान् प्रेक्षमानो धनुषस्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरैन्द्रमिवाद्भुतम्। ततः पौरान् प्रेक्षमानो धनुषस्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरैन्द्रमिवाद्भुतम्। ततः पौरान् प्रेक्षमानो धनुषस्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरैन्द्रमिवाद्भुतम्। हरे कृष्ण। ततः तब पौराण नगरवासियों से पृक्षमानः पूछते धनुषा धनुष के स्थानम स्थान को अच्युतः अच्युत भगवान ने तस्मिन् वहाँ प्रविष्ट घुसते हुए ददृशे देखे धनु धनुष ऐन्द्रम इंद्र का इव सदृश अद्भुतम विस्मयकारी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तत्पश्चात कृष्ण ने स्थानीय लोगों से वह स्थान पूछा जहाँ धनुष जग होना था। जब वे वहाँ गए तो उन्होंने विस्मयकारी धनुष देखा
जो इंद्र के धनुष जैसा था। हरे कृष्ण सेनप नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही विनित दंडवत आपके चरणों में धन्यवाद इस बात के लिए कि आप भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं और दंडवत एक विनम्र भावना से कि आप वैष्णव हैं कृपा करके मुझे शक्ति दीजिए मैं आपको भगवान के विषय में सुना सकूं। तो हम आपके आभारी हैं कि हमें भगवान के विषय में बोलने का आप अवसर दिए। वास्तव में मनुष्य का सर्वविध सफलता इसी में है कि वह भगवान के विषय में बोले सुने और स्मरण करे। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। जब महाराज परीक्षित ने प्रथम प्रश्न किया प्रथम स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी से कि निश्चित रूप से म्रियमाण व्यक्ति को जो मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, तो और थोड़ा व्याख्या किए उसको क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्न से इतना संतुष्ट हुए कि मंगलाचरण भी नहीं किए, अनुमोदन में ही कथा प्रारंभ कर दिए। बरियान ए सत्य प्रश्न कृतम लोक हितम नृप, हे राजन आपने जगत मंगल के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। बस प्रश्न की प्रशंसा में तीन अध्याय कथा बोल गए। तो जब दूसरा बार प्रश्न किए सृष्टि विषयक प्रश्न, तो थोड़ा सृष्टि का विस्तार करने के लिए सुखदेव गोस्वामी के दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ा तो कहे ओह, तब चौथे अध्याय में मंगलाचरण किए तब फिर भागवत प्रारंभ किए। तो प्रश्न महाराज का यह था कि मरने वाला व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जो नहीं मरने वाला है अमर है वो तो निश्चिंत रहे हिरण्यकश्यपु की तरह कुछ भी करे, लेकिन जिसके साथ मृत्यु लगी है उसको क्या करना चाहिए। वो तो मूर्खता बस अपने को अमर मान लिया था, लेकिन उस तरह के अज्ञानी मूर्खों की बात दूसरी है, लेकिन जिसको इतना ज्ञान है कि मुझे निश्चित मरना है उसको क्या करना चाहिए। और इनको तो स्पष्ट था कि 7 दिन में मरना है। तो सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्न का अनुमोदन करते हुए कहे कि हे महाराज, यद्यपि कहने सुनने के विषय तो हजारों हैं,
जब से व्यक्ति निद्रा त्यागता है और जब तक बेहोश सो नहीं जाता तब तक कुछ न कुछ बोलता है, सुनता है, सोचता है। तो एक छोटे फैमिली मेंबर को ही अपना राज साम्राज्य समझता है, स्त्री पुत्र बच्चे स्वजन आदि को। आप अपने बहुत बड़े राज्य को प्रजा का देखभाल करते हैं और ये लोग इसी में व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं कि एक परस्पर परिवार के मेंबर को मरते हुए देखकर भी नहीं सोचते हमें भी मरना है। देखते हैं निधनम पश्य, लेकिन पश्यन नपि न पश्यति। इसलिए तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य क्षता भयम्। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः भय मुक्त होने के लिए भगवान हरि के विषय में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। इसका जब भी अवसर मिले तो समझना चाहिए यह मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। तो इस रूप में मैं आपका आभारी हूँ। अब आइए अपने विषय वस्तु पर। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 42वें अध्याय का है, जिसमें भगवान मथुरा में प्रवेश किए हैं श्री कृष्ण बलराम। तो मथुरा लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी इन श्लोकों में भगवान के विषय में वर्णन कर रहे हैं। तो इसके पहले जब मथुरा में प्रवेश किए वहां से मैं प्रारंभ करता हूँ, संक्षेप में, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में यहाँ आता हूँ। इसके बाद आगे के पूरा अध्याय तक 24 श्लोक की अर्थ करना है। तो यहाँ इसके पहले वाले 41 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब अक्रूर जी नंदगांव से रथ लेकर मथुरा के तट पर आ गए, जमुना के तट पर, तो लगभग सूर्यास्त होने वाला था। तो अपने नित्य नियम के अनुसार संध्या वंदन करने के लिए उन्होंने रथ रोक दिया और जमुना में स्नान किया अक्रूर जी। तो रथ पर कृष्ण बलराम को बैठे हुए छोड़कर वे जमुना में स्नान किए और इसके बाद संध्या वंदन करना चाहते थे क्योंकि सूर्यास्त होने वाला था। तो जमुना के अंदर ज्यों ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो जल के भीतर भी कृष्ण बलराम को देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बाहर निकल कर देखते हैं तो रथ पर भी हैं, फिर दोबारा डुबकी लगाते हैं तो अंदर भी हैं। तो कई बार बाहर फिर भीतर देखते रहे और जब अंदर देखे तो केवल श्री कृष्ण बलराम ही नहीं, बहुत देवता देवी बड़े बड़े लोग उनकी आराधना कर रहे हैं। तो अक्रूर जी अब भगवान के अंदर जल में डुबकी लगाकर उनके चरणों में विनित भाव से स्तुति करना प्रारंभ किए। तब तक भगवान रथारूढ़ से कृष्ण सोचे कि चाचा जी तो इधर समाधि में लग जाएंगे, पहुंचना है, तो सीन ही ओझल कर दिए। तो अक्रूर जी अचानक फिर बाहर निकले तो देखे कृष्ण बलराम रथ पर हैं। तो फिर अपना कपड़ा पहने संध्या वंदन करके और रथ को लेकर चले और बात करते हुए कि आज मैं तो भगवान कहते हैं चाचा जी कुछ खोए खोए लग रहे हैं, कुछ अजीब सा, क्या बात है? तो कहते हैं कि क्या बात है आप पूछ रहे हैं, अभी मैंने जो कुछ देखा है उसे मैं समझ गया, ऐसे तो पहले से ही जानता था लेकिन आज स्पष्ट हो गया, सब जगह आप हैं, इतो नृसिंह परतो नृसिंह, जातो जातो जामी ततो नृसिंह, बाहे नृसिंह हृदय नृसिंह, सब जगह आपकी उपस्थिति है, आप ही वामन हैं, आप ही नृसिंह हैं, आप ही त्रिविक्रम हैं। आप बात करते हुए जब जमुना के तट पर गए और उधर सूर्य डूब रहे थे तो रथ से उतर कर अक्रूर जी कहते हैं कि आज रात्रि हो गई, आज हमारे घर चलिए विश्राम किया जाए और फिर कल हम कंस के दरबार में चलेंगे। तो कृष्ण बलराम के रथ के पहले नंद बाबा की बैलगाड़ी पहुंच चुकी थी लेकिन मथुरा नगर में प्रवेश नहीं किए। मथुरा से पहले एक उद्यान था, बगीचा, वहां सारे छकड़े बैलगाड़ी को रोक कर नंद बाबा वहीं रुक गए थे और इंतजार कर रहे थे अक्रूर जी का रथ आने वाला है।
लेकिन अक्रूर जी स्नान करने में संध्या बंदन में देर कर दिए तो इनका इंतजार कर रहे थे नंद बाबा और भी गोप लोग जो साथ में थे। तो जब अक्रूर जी कहने लगे कि आज हमारे घर विश्राम किया जाए तो यहाँ वर्णन है 41 अध्याय के 6वें श्लोक में, इत्युक्त्वा चोदया मास स्नंदम गांधिनी सुतः मथुराम आनयद रामम कृष्णम चैव दिनातये। दिन कांत होने वाला था, सूर्यास्त होने वाला था, क्रूर जी प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हे कृष्ण बलराम आप हमारे घर चलिए। तो मार्गई ग्राम जना राजन तत्र तत्रोपसंगता वसुदेव सुतौ वीक्ष प्रीता दृष्टिम चादु। अक्रूर का रथ आया, सुंदर सोने का चमकता हुआ कंस का स्पेशल रथ लेकर गए थे और सारे मथुरा वासियों को पता था कि कृष्ण बलराम आने वाले हैं, तो मथुरा के लोग निकल निकल कर बाहर आ गए थे देखने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन ऐसा दृश्य हुआ कि गांव के लोग भाग कर वसुदेव सुतौ वीक्ष, अब नंद सुत नहीं समझ रहे हैं वसुदेव, मथुरा वाले कह रहे हैं आज वसुदेव के दोनों पुत्र जो देवकी के 6वां गर्भ में था वह रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है और 8वां जन्म लेते ही गोकुल चला गया है, ऐसा नारद जी ने बताया है। तो ये संवाद फैल गया था पूरा मथुरा में। तो वसुदेव सुतौ वीक्ष, वसुदेव के पुत्रों को देखकर प्रीता दृष्टिम न चाददु, मथुरा वासियों के अंदर इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि देखने से उनकी तृप्ति ही नहीं हो रही थी, दौड़ कर आ रहे थे। तो इधर तावत ब्रजौ कसस्तत्र नंद गोपादयस्गतः, पहले से नंद गोप आदि आगे आए हुए थे, पुरो पवन मासाद्य प्रतीक्षन्तो वतस्थिरे, इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे। तो जब निकट आए तो तान समत्या भगवान अक्रूरम जगदीश्वर गृहीत्वा पाणिनाम पाणिम प्राशितम प्रहसन्निव। तो अक्रूर जी प्रार्थना करने लगे हमारे घर चलिए। तो भगवान मथुरा नगर को देखे, एक दृश्य मथुरा नगरी दिख रही है, उधर सूर्य अस्त हो रहा है। तो भगवान रथ से उतर कर अक्रूर जी का बांह पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, गृहित्वा पाणिनाम पाणी, अपने पाणी से उनके पाणी को हाथ को पकड़ लिए और प्रशितम बोलने लगे, प्रहसन निवा मुस्कुराते हुए, भीतर हंसी नहीं है, ऊपर से ईवा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बड़ा वैज्ञानिक ढंग से सुखदेव गोस्वामी, भीतर तो कुछ और है और ऊपर से हंसते हुए दिखाते हुए प्रहसन निवा मुस्कुराते हुए से बोल रहे हैं बांह पकड़कर। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान एकाएक अक्रूर जी का हाथ क्यों पकड़ लिए, रथ से तो उतरे थे तो पकड़ने की, हाथ पकड़ने की क्या बात है, और बनावटी मुस्कुराहट क्यों हंस रहे हैं, प्रहसन नहीं, प्रहसन हंसते हुए, प्रहसन ईवा, ईवा माने तरह, उन हंसते हुए से मतलब भगवान के हृदय में अद्भुत स्थिति उत्पन्न हुई। जब मथुरा नगर देखे और सूर्यास्त तो उनको गोकुल नंद गांव याद आ गया कि प्रतिदिन गोचारण करके लौटता था, नंद गांव के भवन दिखते थे और ऐसे ही सूर्य ढलते हुए गोपियां दौड़ कर आती थी, आज उन बेचारियों पर क्या बीतता होगा, हम तो मथुरा आ गए और वे इस सूर्यास्त के समय उनका क्या हालत होगा, यह विचार करके मानो भगवान एकदम गिरने की स्थिति में हो गए, लगा कि उनको मूर्छा आ जाएगा, इसलिए बांह स्खलन परिहार आए बांह पकड़ लिए, अगर वो अक्रूर का बांह नहीं पकड़ते तो शायद गिर जाते, और गिर जाते तो एक स्थिति हो जाती क्या हो गया क्या हो गया, तो बतला भी नहीं पाते अपने हृदय की वेदना को। तो अब हाथ पकड़े और कुछ उदास से होते तो अक्रूर साधारण व्यक्ति नहीं थे, तुरंत मूल्यांकन कर ले क्या हो गया, क्यों एकाएक उदास हो गए, तो उस उदासी को छिपाते हुए प्रहसन नहीं हुआ, बनावटी मुस्कुराए कि न पहचान पाए कि हमको हो क्या गया। कहे चाचा जी भवान प्रविष्ट अग्रह सहयान पूरीम गृहम, आप जाइए आगे और वयम त्विहा अच्युथा ततो दक्षा महे पूरीम, मैं बाद में आऊंगा।
आज नगर में नहीं प्रवेश करूंगा, आज मैं इसी बागीचे में रुकूंगा और मैं आऊंगा। अकुरु जी कहते हैं नाहम भवद्भ्याम रहिता प्रवेक्षे मथुराम प्रभु, मैं आपके बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। नारहसी माम नाथ भक्तम ते भक्त वत्सल, हे प्रभु हे भक्त वत्सल, हमारी थोड़ी भी भक्ति है तो आप कृपा करके स्वीकार कीजिए, हमारे साथ चलिए। कहते हाँ जरूर आऊंगा लेकिन अभी नहीं। तो अकुरु जी बार बार कह रहे हैं आइए आइए चलिए। कहते नहीं, मैं अपने स्वजनों से तब तक नहीं मिलूंगा जब तक दुष्ट कंस का वध न कर लूं। चाचा जी आपसे मुझे इतना पीड़ा है, कष्ट है कि मैं ऐसे नहीं मिल सकता हूं अपने स्वजनों से, बिना उस दुष्ट को मारे मैं नहीं आऊंगा। तब तो अकुरु जी के पास कुछ शब्द रह ही नहीं गया। कल मैं नगर घूमने के लिए आऊंगा और परसों उसको देख कर तब आऊंगा आपके पास। तो अक्रूर जी अब चुप हो गए, अक्रूर जी चले गए। इसके बाद भगवान उसी बागीचे में उस रात को रुके, विश्राम किए। दूसरे दिन बड़े आराम से दोपहर तक वहीं रहे, इसके बाद नगर देखने के लिए निकले। कृष्ण बलराम अब यहाँ 41वां अध्याय में विस्तार से वर्णन है और उनके गोप सखा सब लोग निकले। तो नगर घूमने के लिए जब निकले तो नगरवासी कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा से दौड़ने लगे, देखने लगे, मुख्य रूप से मथुरा की स्त्रियां। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चलते समय कृष्ण बलराम को गोपियों ने कहा था कि यहाँ अब मथुरा वासियों का सौभाग्य उदय होने वाला है, अब मथुरा के पूर्ववासियों नागरियों का सौभाग्य होगा कि हमारे प्रियतम को देखेंगे, हम अभागिन अपने प्रेष्ट को खो रही हैं। इस को कहते हुए वो रो रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों की वो भविष्यवाणी सार्थक हो गई। नगर के लोग दौड़ कर कृष्ण बलराम को देखने के लिए आए। तो कृष्ण बलराम आगे चल रहे हैं तो ऐसा प्रसिद्ध है कि यात्रा के समय अगर धोबी का दर्शन होता है तो यात्रा सार्थक माना जाता है। आ यहाँ मथुरा नगर में प्रवेश करते ही धोबी का दर्शन हुआ तो दर्शन से ही यात्रा सफल हो गई। लेकिन भगवान उससे कहते हैं कि देखो हम लोग नगर में प्रवेश करने जा रहे हैं और हम वन में रहने वाले बनौकस हैं, ब्रजवासी हैं, राजभवन में जाने लायक हमारा ड्रेस नहीं है, हम लोगों के लिए उचित ड्रेस आप दे दीजिए। आप राजभवन के कपड़े ले जा रहे हैं, वो धोकर लौट रहा था जमुना से, सूखा हुआ कपड़ा लिया था। तो कहे कि हम लोगों के लायक कम से कम दो सेट तो दे ही दीजिए कृष्ण बलराम के लिए, नहीं तो सभी साथियों के लिए दीजिए। तो धोबी इतना तैस में बोलने लगा, तुम लोग अपना मुंह नहीं देखते हो, नीच गोप कहीं का, कभी ऐसा कपड़ा देखा है? राजभवन में महाराजा के दरबार में पहनने वाले कपड़े के लिए तुम मांग कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तो भगवान का इसमें क्या हो गया, इसीलिए तो हम मांग रहे हैं कि उस राजभवन में जाने लायक हमारा ड्रेस बन जाए, उसी के लिए तो मैचिंग के लिए तो मांग रहे हैं। शायद हम लोग ब्रजवासी वहां राज दरबार में मैच नहीं करेंगे, इसीलिए तो मांग रहे हैं। तो कुछ बड़बड़ाने लगा, बस खींच कर भगवान ने एक तमाचा लगाए, सिर धड़ से अलग हो गया, हथियार नहीं उठाना पड़ा, एक तमाचा में सिर कटा। तो धोबी मराया शगुन हुआ, अब सफल हो गया यात्रा। दर्शन से ही सफल हो जाता है उसको मार दिए, और सारा कपड़ा बच्चे ले लेकर अपने मन पसंद नापने लगे, कोई बड़ा था कोई छोटा था। फिर आगे बढ़े तो एक जिलाहे का दर्जी का टेलर था आगे, तो कहे कि देखो भाई हम लोगों का कपड़ा ए एन साइज है, इसको साइज से कर दो ठीक ठाक। तो पूरा मथुरा में हाला हो गया था कि भैया वो धोबी को मार कर प्रवेश किया है, अब नकारने पर तो कुशल है नहीं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हो सौभाग्यशाली जुलाहा, वो टेलर सौभाग्यशाली था, तुरंत आकर अगवानी किया। हाँ हाँ ठीक है। तो
लेकर कपड़ा उनके साइज का कृष्ण बलराम का तो कम से कम सेट कर दिया, वो लोग खड़ा होकर इंतजार किए, सीकर पहना दिया। इसके बाद आगे चला तो एक सुदामा नामक माली था, फूल माला बनाकर अपने यहाँ रखा था। तो उसके यहाँ जो ही भगवान गए तो सुदामा उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, उनके अनुरूप उनको माला पहनाया, सबके लिए माला दिया। भगवान खुश हो गए, मांग नहीं किए भगवान माला के, वो स्वयं आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और माला दिया। तो भगवान उसको आशीर्वाद दिए हैं, कहे हैं कि तुम्हारी धन संपत्ति तुम्हारे परिवार वृद्धि के साथ बढ़ती रहेगी। कभी कभी होता है कि थोड़ा धन संपत्ति है, परिवार ज्यादा हो जाता है तो गरीबी आ जाती है। तो भगवान कहे कि जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा वैसे आपका धन बढ़ेगा। आशीर्वाद दिए माला पहनकर। तो आज भी कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन में रहने वाले माली संपन्न है दूसरे की अपेक्षा। तो भगवान के आशीर्वाद से वो संपन्न है। इसके बाद आगे माला पहनकर 41 अध्याय में यहाँ तक वर्णन है। अब 42 अध्याय के प्रारंभ में इधर 14 श्लोकों में श्री भगवान जब आगे बढ़ रहे हैं, चौक पर पहुंचे एकदम राजभवन के निकट मेन चौक पर, तो वहां एक ज्योति आ रही है अपने हाथ में अंगराग का लेप लिए हुए, लेकिन वह तीन जगह से टेढ़ी है, उसके पीठ पर कुबड़ है। तो भगवान उसको देखते ही सबके सामने, बलराम जी वही हैं, वहीं और भी बड़े लोग हैं, सबके सामने पूर्वासी भी हैं मथुरा वाले, सब भीड़ है बहुत, वहीं पर कहते हैं हे सुंदर जांघ वाली, ऐसा संबोधन करते हैं, सुंदर सुमुखी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, आपको क्या जरूरत है किसी ज्योति को टोकना लेकिन कुछ अद्भुत लीला करना था। तो तुरंत रुक कर देखने लगे, कही कि हे परम सुंदर, मैं कंस की दासी हूं और उनको अंगराग लगाने के लिए ले जा रही हूं। इसमें तरह तरह के अंगराग है, चंदन केसर कस्तूरी आदि का लेप है, और मैं राजा रानी का श्रृंगार करती हूँ, तो मैं अभी दरबार में जा रही हूँ। तो भगवान कहे, क्या इसमें से थोड़ा सा चंदन हमको भी दे सकती हो? तो कही क्यों नहीं, इसके तो अच्छे सबसे बेस्ट पात्र आप ही हैं। भूल गई कि कंस कुछ स्टेप भी ले सकता है, पूरा पूरा भूल गई, और कहने लगी क्यों नहीं सुंदर, आपसे बढ़कर इसका कोई उत्तम पात्र नहीं है। तो भगवान कहे कि तब तो आप सजाने में डेकोरेशन करने में दक्ष हैं, तो आप अपने हाथ से लगा दीजिए। तो वहीं खड़ा हो गए भगवान, और श्याम सुंदर को पीला कस्तूरी केसर से युक्त चंदन का लेप की, और बलराम को नीला, गोरे को काला, काले को गोरा बना दी, खूब सुंदर श्रृंगार की। इसके बाद भगवान कहे कि भाई इतना बढ़िया श्रृंगार की तो कुछ तो देना चाहिए। तो भगवान क्या किए, खड़ा हो गए और उसके पैर पर अपना पैर रख कर दाहिने पैर से उसके पैर को दबाए और पीठ के तरफ हाथ कर लिए, बाएं हाथ उसके पीठ पर सबके सामने, और दाहिने हाथ से उसके चिबुक पर यहां पकड़े और सीधा ऐसे दबाते हुए उस खींच दिए, वो जो तीन जगह से टेढ़ी थी उचका दिए, सीधी हो गई। खूब सुंदर, सुखदेव गोस्वामी को इतना इसमें इंटरेस्ट है उसके रूप का वर्णन करने में, विरक्त चूड़ा बड़ी सुखदेव गोस्वामी कुब्जा के रूप का वर्णन कर रहे हैं। खूब सुंदर बरानना, सुंदर मुख वाली, और उसके दोनों अस्तन का वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही है, कपड़ा बहुत सुंदर पहनी है, इतना सुंदर रूप उसका हो गया। मुख तो सुंदर था ही, चिबुक के कारण वो कुब्जा कही जाती थी। तो जब सुंदर हो गई, बहुत सुंदर रूप हो गया, तो भगवान का पीताम्बर पकड़ ली, कही प्रियतम अब आप हमारे घर चलिए, वो कामुकता में हो गई। तो भगवान कहे क्यों नहीं, अवश्य हमारे जैसे राहगीर के लिए तुम्हारा ही घर तो आश्रय है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं मामा जी के दरबार में जा रहा हूं, बाद में लौटूंगा और अवश्य मिलूंगा।
तो इस तरह से आश्वासन देकर भगवान आगे बढ़े। तो इसके पहले जो हम लोग अभी श्लोक रिपीट किए, तो इसके पहले यहाँ वर्णन है, तद दर्शन स्मरस्योवात आत्मना ना विनत स्त्रिय विस्त्रस्त वास कबर बलया लेख्य मूर्तय। कृष्ण के दर्शन से केवल कुब्जा ही नहीं, नगर की सारी जीवतियां कामुकता से उद्दीप्त हो गई, सबको क्षुब्ध हो गया, सब शुद्ध बुद्ध खो गई, सब लोग श्याम सुंदर को देख रही हैं, उनके परिधान और उनके कंगन आदि वस्त्र ढीले हो गए, एकदम स्तब्ध हो गई। तो इसमें चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि कामुकता के 10 लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसमें अंतिम मृत्यु भी है। तो जैसे सर्वप्रथम देखकर अवाक हो जाना, देखते रह जाना, और इसके बाद फिर उसके विषय में चर्चा करना, मन उसमें आसक्त हो जाना, निद्रा का ह्रास होना, आसक्ति के कारण नींद नहीं लगना, दुर्बल हो जाना, बाह्य वस्तुओं में कोई रुचि नहीं होना, निर्लज्जता हो जाना, उन्माद होना, मूर्छा और लास्ट में मृत्यु। लेकिन यह संसारिक स्थिति में 10 होता है। अब भगवत प्रेम और भगवत संबंध में मूर्छा तक सीमित है, मृत्यु नहीं होता। मूर्छाएं तो बार बार होती हैं, लेकिन मरण नहीं होता। कितना ही प्रेम है लेकिन प्रेम में सुसाइड नहीं किया जाता, यह है प्रेम की अद्भुत लक्षण। उसके पीछे रीजन यह है कि तत्सुख सुखित्वम की भावना रहती है। यदि हमारे प्रियतम यह जानेंगे कि हमारी प्रिया हमारे लिए सुसाइड कर दी, आत्महत्या कर ली, तो उनके भी यही दशा होगा, उनको बहुत कष्ट होगा, और यही ब्रेकर हो जाता है, मृत्यु नहीं होती। गोपियां बार बार पछाड़ खाकर गिर जाती, बेहोश हो जाती, लेकिन मर नहीं पाती थी। चैतन्य चिंता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो यहाँ वर्णन है कि इसके बाद भगवान चले आगे और पूर्ववासियों से पूछने लगे कि धनुष यज्ञ कहाँ होने वाला है, वो स्थान कहाँ है। ततः पौराण पृक्षमानो धनुषस्थान मच्युत। अच्युत पूछने लगे, वो धनुष का स्थान कहाँ है। तो गांव वाले बतला रहे हैं, इधर तस्मिन प्रविष्टो दद्द से। भगवान पहुंच गए वहां जगशाला में जहां धनुष रखा था। देखते हैं तो धनु रैंद्रम विवादभूतम, बहुत बड़ा धनुष था, इंद्र धनुष जैसा। युवा कह रहे हैं इंद्र धनु रैंद्रम इवम अद्भुतम, इंद्रधनुष जैसा लग रहा था, बड़ा था। इंद्रधनुष जानते हैं किसको कहते हैं? बरसात के दिनों में लगभग अश्विनी कुवार कार्तिक में आकाश में बादल कम रहते हैं, कभी कभी बारिश हो जाता है और सूर्य का प्रकाश भी रहता है। तो सूर्य के प्रकाश रखने से बरसते हुए बादल पर एक रेखा बनती है 7 रंग का, बहुत बड़ा आकाश में दिखता है, उसको इंद्रधनुष कहते हैं। बहुत बड़ा धनुष, उसमें हरा नीला पीला 7 रंग दिखता है, तो उसको इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष कहकर कह रहे बहुत बड़ा धनुष था। तो उस धनुष के पास गए, पुरुषई बहु भी गुप्तम अर्चितम परमर्धितम। उस धनुष के रक्षा के लिए बहुत से लोग नियुक्त किए गए थे। वारे मारो भी कृष्ण प्रसह्य धनुराददे। तो लोगों को लगाया गया था धनुष की रक्षा के लिए, क्योंकि वह असाधारण धनुष था और उस धनुष के साथ कंस की मृत्यु भी निश्चित थी। जैसे वहां भगवान राम के विवाह के समय घोषणा किया गया कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह किया जाएगा, और इस धनुष के साथ था जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। पहले से क्लियर था, किसी महात्मा ने कंस को कहा था इस धनुष की रक्षा करना, इसके साथ तुम्हारी मृत्यु है, अगर जो धनुष तोड़ देगा वो निश्चित तुमको मारेगा। तो धनुष की रक्षा के लिए स्पेशल फोर्स लगाए गए थे। तो अब भगवान गए और सब लोगों के सामने, रक्षकों के सामने ही दौड़कर करेण बामेन सलिलम उद्धृतम,
बाएं हाथ से जाकर धनुष को उठा लिए। सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम, पलक झलकते ही देखते देखते धनुष को तोड़ दिए। नेणाम विकृष्य बवजच मध्यतो यथेक्षु दंडम मदकर ये उरुक्रमः, ऐसे धनुष को तोड़े जैसे बलवान हाथी गन्ने को पकड़कर तोड़ देता है। हाथी के सामने एक गन्ना का क्या वैल्यू है, यह उदाहरण देते हैं। जैसे यथेक्षु, जैसे इच्छु दंडम मदक उरुक्रम, मदकरी उरुक्रम, जैसे मदकरी कहते हैं मतवाले हाथी को, जैसे मतवाला करीण कहते हैं हाथी को, और मदकरी का मतलब मतवाला हाथी जैसे गन्ना को पकड़े और तुरंत तोड़ दे, वैसे भगवान उस धनुष को उठाए और तोड़ दिए। उरुक्रम धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम रोदसी दिशः पुरेयामास यम श्रुत्वा क्रंशस्त्रा समुपागमत। तो इस प्रकार उस धनुष के टूटने से इतना तेज आवाज हुआ, वह आवाज पूरे आकाश में गूंज गया, पूरा चारों तरफ मथुरा में गूंज गया आवाज। और तदरक्षण सानुचरम कुपिता आतता इना गृहीतु कामा आवहु गृहताम बद्धताम इति। तो अब जैसे कभी कभी लालटेन को भभकते हुए देखते हैं, हवा लग जाता है तो भव भव करके तेज प्रकाश करके बुझ जाता है, वैसे कंस के जो अनुचर थे वे लोग भभकते हुए लालटेन की तरह पकड़ो मारो इसको अरेस्ट करो पकड़ो दौड़ने लगे, सब हथियार उठा लिए। अथ तान दुर्भिप्रायन विलोक्य बल के सब क्रोधो धनवन आदाय सकले तांश जगनतु। ये पूरे अध्याय में कहीं तात्पर्य नहीं है, केवल अनुवाद है, इसलिए मैं अध्याय पूरा कर रहा हूं। तो इस प्रकार दोनों भाई धनुष का जो दो टुकड़ा था वो एक एक टुकड़ा उठा लिए कृष्ण बलराम। और जो लोग पहरेदार लोग दौड़ कर आते थे अपना गदा लेकर, अपना धनुष लेकर, तलवार लेकर आक्रमण कर रहे थे रक्षक लोग, उनको उस धनुष के टुकड़ा से ही काम तमाम करने लगे, मारने लगे। बलम च कंस प्रहित हत्वा शाला मुखात ततः निष्क्रम्य चेर तुहिष्टो निरीक्ष पुरुषम पद। इस प्रकार कंस के द्वारा भेजी गई वो सैन्य टुकड़ी, थोड़ी सी सेना, सबको मारकर कृष्ण बलराम जगशाला के मुख्य द्वार से शान की तरह झूमते हुए शेर की तरह निकल रहे हैं सुखपूर्वक। और अभी नगर देखना बाकी है, अभी तो एक साइड देखे थे, तब तक पहुंच गए राज दरबार में, अब फिर देख रहे हैं। तयोस्तद अद्भुतम वीरजम निशाम्य पूर्वासिनः तेजः प्रागल्भ्य रूपम च मेनिरे विबुधोत्तमौः। तो नगरवासी क्या सोच रहे हैं उनको देखकर, तयोस्तद अद्भुतम वीरजम, उनके अद्भुत बल को देखकर निशाम्य पूर्वासिनः, कुछ लोग तो देखे कुछ लोग सुने, निशाम्य माने सुनकर या देखकर, देख करके उनके बल को पूर्वासिनः नगरवासी प्रागल्भ्य आपस में चर्चा करते हैं कि ये कोई श्रेष्ठ देवता है। विबुध कहते हैं देवता को, और विबुधोत्तमौ द्विवचन में कृष्ण और बलराम, ये दोनों कोई विशिष्ट देवता है। नगरवासी अब देख रहे हैं कि ये वसुदेव के पुत्र असाधारण है, कोई साधारण बालक नहीं है, ये दोनों निश्चित रूप से देवता है। तयोर विरचतो स्वैरम आदित्योस्तमुपे इवान कृष्ण रामो वृतौ गोपई पुराक्षत कटमीयतु। इस प्रकार इच्छा के अनुसार विचरण करते हुए उस दिन सूर्यास्त तक खूब नगर को घूमे, और फिर सूर्यास्त होने के बाद जहां पर उनके गाड़ी छकड़ा रखे गए थे, कृष्ण रामो वृतौ गोपई ही जहां गोप लोग रुके थे, पुराक्ष कटक मीयतु जहां उनके छकड़े थे, बैलगाड़ी थे, वहां आ गए, लौट गए। और नगरवासी देख रहे हैं इसको, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोप्यो मुकुंद विगमे बिरहा तु राजा आशा सता शिशरिता मधुपुरी अभुवन संपश्यताम पुरुष भूषण गात्र लक्ष्मीम
हित्वे तरा ननु भज चक में यनयम श्री। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रज से विदा होते समय जो उद्गार गोपियों ने गाया था कि यहा आज मथुरापुर वासियों का सौभाग्य उदय होने वाला है, हम अभागिनों का भाग फूट गया, हमारे प्रियतम हमारे आंख से ओझल हो रहे हैं, ठीक वही भविष्यवाणी 100% सत्य हो गई। आशा सताशिष रीता, वास्तव में सत्य हो गया। मधुपुरी अभुवन, मधुपुरी के लोगों को मथुरा का सौभाग्य जग गया। संपश्यतम पुरुष भूषण गात्र लक्ष्मी, जिनके सुंदर सौंदर्य को जो पुरुषों में भूषण है एक टक से देखने लगी मथुरा की स्त्रियां, और सब लोग देख रहे थे। अन्य लोगों का कहते हैं कि लक्ष्मी उस सौंदर्य का आश्रय चाहती हैं, निसंदेह वो सौंदर्य इतना है कि समस्त सौभाग्य समस्त सौंदर्य समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री साक्षात वैकुंठ अधीश्वरी लक्ष्मी जिनके चरणों को चाहती है, चंचला होते हुए भी उनके चरणों को छोड़ना नहीं चाहती, उस सौंदर्य को आज मथुरावासी देख रहे हैं, कह रहे हैं। तो वे लक्ष्मी जिनकी पूजा करती हैं, उनका दर्शन आज मथुरावासी कर रहे हैं। अवनिक्तांग्रि जुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम उस तुष्टाम सुखम रात्रिम ज्ञात्वा कंस चिकित्सितम। इसके बाद जब अपने निवास में भगवान पहुंचे तो वहां जाकर अपना चरण धोए, कृष्ण बलराम पांव धोए दोनों भाई, और अवनिक्तांग घ्रि जुगलौ दोनों चरणों को धोए। अब भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम, गोप लोग दूध लेकर आए थे, खीर बनाए थे, तो उस खीर का भोजन किए, क्षीरोपसेचनम, और उस तुष्टम सुखम ज्ञात्वा सुखम रात्रि ज्ञात्वा कंसा चिकित्सितम, और सुख पूर्वक सोए, माने कुछ हुआ ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, इतना मर्डर करके आए हैं चिंता नहीं, खीर खाकर निश्चिंत रूप से सो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुखम रात्रि, सुख पूर्वक रात्रि बिता, और ज्ञात्वा कंस चिकित्सितम, और इधर कंस का हालत क्या है अब उसका वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण बलराम तो निश्चिंत सोए हैं, कोई बॉडी गार्ड भी नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई पहरा ड्यूटी नहीं, आ उधर अनेकों लोगों का मर्डर करके आए हैं, कोई टेंशन नहीं। अ कंसस्तु, कंस का क्या हालत हुआ, धनुषो भंग रक्षिणम स बलस्य च, जब कंस सुना कि धनुष तोड़ दिया और रक्षकों को भी मार डाला, बधम निशम्य गोविंद राम कीर्तितम परम, वह कृष्ण और गोविंद, कृष्ण और राम, राम माने बलराम, गोविंद माने कृष्ण, कृष्ण और बलराम खेल खेल में धनुष तोड़ दिए, कोई परिश्रम भी नहीं लगा, बाएं हाथ से उठाया तोड़ दिया, और सेवकों को भी मार डाला। दीर्घ प्रजा गरो भीतो दुर्निमितानि दुर्मति, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस दुर्मति उस दुष्ट को रात को नींद नहीं आई, बहुन चष्टो भयदा मृतो दौत्य कराणी च, इतना अपशकुन देखता था, रात भर सोया नहीं, उसको ऐसा लगता था कि कुछ उत्पटांग दृश्य देख रहा है, क्या अदर्शनम स्वशिरस प्रतिरूपे च सत्यपि, कभी दर्पण में या पानी में देखता तो अपने आंख से देख रहा है और दर्पण में प्रतिछाया में सिर ही नहीं दिख रहा है, बाकी और सब कुछ दिख रहा है, हाथ पैर ये सब नीचे के दिख रहा है लेकिन सिर नहीं दिख रहा है। असत्यपि द्वितीय च दय रूपम ज्योतिषम यथा, और जिधर देखता है आकाश में देखता है बाहर निकलकर तो चंद्रमा दो दिख रहे हैं, एक एक जगह दो दो तारे दिख रहे हैं, जिधर देखता है वो दो दो दिख रहे हैं, कभी आंख दबाने से ऐसा होता है वो ऐसे ही दिख रहा था। छिद्र प्रतिछायाम प्राण घोष उपस्तुति, और अपना छाया देख रहा है परछाई तो भी कटा हुआ आधा। स्वर्ण प्रतीत वृक्षेशु स्वपनाद मदर्शनम, स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरयानम विषादनम, और याया नलम मालकेय
तैला भ्यक्तो दिगंबरम, कभी नग्न दिख रहा है, कभी तेल में दिख रहा है, कभी गधे पर चढ़ा हुआ दिख रहा है किसी को, कभी कुछ थोड़ा सोता है फिर जग जाता है स्वप्न देखकर डर कर। अन्यानी चेत भूतानी स्वप्न जागरी तानी च पश्यन मरण संनस्तो निद्राम लेभे न चिंतया। निद्रा नहीं आई इस चिंता में कि अब तो निश्चित मरना है, धनुष तो तोड़ ही दिया, अब तो मारेगा दूसरा दिन, रात भर केवल बाकी है, अब तो मरने का डेट निश्चित हो गया। तो इस प्रकार अपनी छाया में प्रतिछाया में छेद देख रहा है और वृक्ष सुनहली दिख रही है, सारा वृक्ष सोने जैसा दिख रहे हैं। भूत प्रेत का आलिंगन कर रहा है, कभी गधे पर सवार दिख रहा है, कभी विष पी रहा है, कभी उड़हुल का माला पहना है ऐसा देख रहा है, कभी एक नग्न व्यक्ति को दौड़ते हुए देख रहा है जो तेल लगाया हुआ है, सारा शरीर नग्न है, अब शकुन है स्वप्न है। इस तरह देखकर कंस निश्चित कर लिया कि अब तो मरना है, एक सेकंड भी नहीं सो पाया। कभी आंख लगता तो यही सब देखता, खोलता तब भी देखता, जगे में सोए में विष्टायाम निशिकौरभ्य सूर्य चाभ्य समुत्थिते कार्यामास वै कंसो मल क्रीड़ा महोत्सव। हे कौरव्य, हे महाराज परीक्षित संबोधन कर रहे हैं, हे कुरुवंशी, किसी तरह रात बीती किसी तरह, और सुबह में मल क्रीड़ा के लिए अब एक ही विकल्प बाकी था कि उसके पास कुछ स्पेशल सिलेक्टेड पहलवान थे, उनका बल अजमाना था, क्योंकि नारद जी कह दिए थे कि आपके पास एक से एक पहलवान है, चारुर मुष्टिक सल तोसल, ये किस दिन काम आएंगे, इनको भी खत्म कर दीजिए ना। जिन लोगों को भेज दिए वो तो गए, जिन लोगों को भेजे ब्रज में वो तो मर गए, लेकिन जिनको बड़ा सजा कर रखे हैं वे तो पृथ्वी के भार ही है ना, मन में सोच रहे थे नारद जी। तो एक काम कीजिए कि उन लोगों को बुला लीजिए कृष्ण बलराम को, और कहे कि उनके हाथ से मृत्यु आपकी निश्चित है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोच सकता है ना कि मृत्यु जितना दूर है उतना अच्छा है, लेकिन नारद जी बोलने में बहुत दक्ष हैं, तो क्या करें, कौन हमारे साथ वसुदेव ऐसा धोखा किया, देवकी के पुत्र को नंद भवन पहुंचा दिया, अभी वसुदेव को क्लास लगाता हूं, बुलाओ वसुदेव को। तो नारद जी कहे वसुदेव को मारकर क्या करेंगे, आप बचने वाले नहीं है, वसुदेव को काट दो, देवकी को काट दो, इसे कुछ नहीं होने वाला है, बुद्धिमान को अपने मृत्यु पर विचार करना चाहिए। तो क्या करें देवर्षि, एक काम करो जल्दी बुला लो उन दोनों को, और अब बहुत हो गया जल्दी मर जाओ। मन में तो ये था कि बहुत बहुत लोगों को सताया, अब तंग मत करो जल्दी मरो, मन में ये था, लेकिन कहे कि जल्दी बुला लो, और तुम्हारे पास एकदम सिलेक्टेड जो पहलवान है सल तोसल मुष्टिर और चाणूर ये सब किस दिन काम आएंगे, इनको भी थोड़ा बल अजमाओ, हो सकता है ये लोग मार डालें। नारद जी इतना नहीं कह रहे हैं कि मार ही डालेंगे, भीतर है कि ये लोग भी मर जाएं, और तुम्हारे पास कुवलया पीड़ हाथी है, 10,000 हाथी का बल है, वो भी पृथ्वी का भार है, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं, बुला लीजिए ना, धनुष जग के बहाने कर, और आपको ये भी क्लियर है कि जो धनुष तोड़ेगा वो मारेगा, तो बुला लीजिए, देखिए क्या धनुष तोड़ देते हैं वो लोग, कंफर्म हो जाएंगे आप। तो फिर उनको बुलाइए। ऐसी बातें नारद जी कहे कि कौन सोचा कि एकदम देवर्षि हमारे हित में बोल रहे हैं। अब बस प्लानिंग किया, धनुष तो टूट ही गया, अब कुश्ती बाकी था, तो इसके लिए सारी तैयारियां हो गई। मल क्रीड़ा महोत्सव पहले से ही घोषणा किया गया था, कुर्सियां लगाई गई थी एकदम सजाकर, आनरचुप पुरुषारंगम तुरिये भेयस्य जग्रे बाजे बज रहे हैं, मल्लास चालक अलंकृता सगधी पाता का चैल तोरणई, बड़े बड़े पहलवान सजे हुए हैं, बढ़िया कुर्सियां लगी हुई हैं, माला पहने हुए हैं, तेसु पौरा जनपदा ब्रह्मछत्र पुरोगमा, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को बैठने के लिए ऊंचा आसन अलग लगाया गया है, यथोपजोसम बिउसु राजा नश्चकृतासना। वो भी आया, कंस आया, और आकर कंसा परिवृतो मात्यई
राज मंच उपाविशत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंस भी परिवृतो माते ही अपने सिलेक्टेड स्वजनों के बीच में कंस बैठा ऊपर मंच के ऊपर जो सजाया गया था, और अमातेई का अर्थ है अपने मंत्रियों के साथ बॉडी गार्ड के साथ मंच के ऊपर उपाविशत मंडल ईश्वर, ऐसा लग रहा था कि सभा का ईश्वर बैठा है सबसे ऊपर, मंडलेश्वर मध्यस्थो, बड़े बड़े मंडलेश्वर बड़े बड़े लोग बैठे थे उसके बीच में था। लेकिन देखिए सुखदेव गोस्वामी के वर्णन की स्टाइल, हृदय न विद्वीयता, बैठा था सबसे ऊंचे मंच पर, बड़े बड़े मंडलेश्वरों के बीच बैठा था, बॉडी गार्ड के साथ बैठा था, फिर भी हृदय न, हृदय जो है विद्वीयता, हृदय थर 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 कांप रहा था, होश में नहीं था, बैठ तो गया आकर आसन पर लेकिन बहुत भयभीत था कि न जाने वो दोनों क्या करेंगे आज, थर 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 कांप रहा था। बाद मानेश तुरियेशु मल तालो तरेशु च, बाजे बजने लगे वाद्य यंत्र पर, ताल पर बाजे बज रहे हैं जोर जोर से, मल्ला स्वलंकृता दीप्ता और गर्वीले पहलवान खूब सजे हुए, कच्छा पहनकर माला पहनकर एकदम जिम से जो लौटने वाले देह बॉडी दिखाने वाले पहलवानों की तरह लौट रहे आ रहे हैं, और उनके साथ टीचर लोग भी हैं, प्रशिक्षकों के साथ हैं उनके उस्ताद पहलवानों के जो लड़ाते हैं, वे जिम के ट्रेनर भी हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, पहलवान भी हैं ट्रेनर भी हैं, सब लोग आ रहे हैं अखाड़े में प्रविष्ट हुए। मुख्य पहलवानों का नाम चारुरो मुष्टिक कूत सल तोसल एवच स आसे दूर उपस्थानम बलगु वाद्य प्रहर्षिता। तो वहां चारुर मुष्टिक कूट सल तोसल ये पांच पहलवान है, ये आए अखाड़े में और बहुत खुशी के साथ आज तो कुश्ती होगी और ये पहलवान पकड़ते ही मसल डालेंगे कृष्ण बलराम को, ये भावना थी। नंद गोपादयो गोपा भोज राजा समाहुता निवेदितो पाय नास्तत एकस्मिन मंच आविशन। इसके बाद भोजराज कंस के द्वारा बुलाए गए ब्रजवासी गोप लोग, नंद गोप, नंद महाराज और उनके सारे गोप बाल जो भेंट लेकर आए थे, दही दूध माखन जो लेकर आए थे और भी जो अनेक प्रकार के भेंट लाए थे सरकार को निवेदन करने के लिए कंस को, वो सब भेंट लेकर आए और कंस के पास समर्पित किए अपनी अपनी भेंट, और नीचे ऊपर के नीचे एक दीर्घा बना हुआ था देखने का, वहां पर उन लोगों को बैठने के लिए कंस स्पेशल लोगों को लगाया था कि नंद को भी आदर के साथ लाना, ऐसा न कि नंद डर जाए कि हमारे बच्चे धनुष तोड़ दिए तो अब महाराज कंस पता नहीं क्या करेंगे, इन बच्चों को अरेस्ट करेंगे या गोली मारेंगे क्या करेंगे, तो इस डर से नंद भाग न जाए इसके लिए कुछ लोगों को लगाया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अंतिम श्लोक में टीका लिखते हैं, इस अध्याय के अंतिम श्लोक ये है कि समाहुता का अर्थ है कि बड़ा आदर के साथ कुछ विशिष्ट लोगों को लगाया गया था कि उनको बुलाया जाए कहीं वे लोग डर के मारे भाग न जाएं, इसलिए आदर के साथ नंद को लाया गया, और वे सरकार को भेंट देना चाहते थे इसलिए कंस के पास अपना भेंट दिए, उनको आश्वासन दिया गया कि हे ब्रजराज आप मेरे ग्राम शासकों में सर्वोपरि हैं, आप बैठिए डरिए मत, आपके बच्चे अगर धनुष तोड़ ही दिए तो क्या है, तो धनुष यज्ञ तोड़ने के ही लिए तो धनुष रखा गया था, ये तो मनोरंजन के लिए ही रखा गया था, इसमें कोई डरने की बात नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि हम आपके बच्चों के साथ कोई अन्याय करेंगे, चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। तोड़ दिए कोई बात नहीं, हम उन पर कोई दोष बुद्धि नहीं करते हैं, और जो रक्षकों को मार दिए तो ये तो होता ही है, कुश्ती होता है तो जो पहलवान कोई पटकता है कोई गिरता है तो जो सामने आएगा ये तो क्षत्रियों की शोभा है, क्षत्रियों के साथ जो युद्ध हुआ तो युद्ध में कोई मरेगा कोई मारेगा ये तो अपना यही तो उत्सव है, क्षत्रियों के उत्सव में तो मर्डर नितांत जरूरी है, ये तो अपनी शोभा है,
तो इसमें क्या दिक्कत है। और मैंने मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता भी इसीलिए किया है कि अपना मनोरंजन करेंगे, जो बड़े बड़े पहलवान है अपना बल अजमाएंगे, जो पटकेंगे उनको पारितोषित दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, इसमें संकोच की बात नहीं। आप आइए, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे कहते हैं कि फिर जब इतना सम्मान के साथ बुलाया गया तो ऊंचा आसन क्यों नहीं दिया गया, तो कहें कि क्योंकि वो सब भर चुका था पहले ही और जगह नहीं था, इसलिए नीचे बैठाया गया उनको खोज करके। अच्छा, सब गोप लोग आ गए, नंद बाबा आ गए, लेकिन कृष्ण बलराम अभी नहीं आए थे। वे लोग अपने मस्ती में दोनों थे, वो जानते थे कि सब बैठ जाए, पूरा ऑडिटोरियम भर जाए तब मैच चालू होगा। प्लेयर पहले क्यों आएंगे, पहले तो सब देखने वाले आ जाएं। किसी भी कलाकार के मन में विशेष बातें होती हैं, अगर ऑडियंस कम होता है तो उसकी कला का प्रदर्शन करने में मजा नहीं आता। कोई गाना चाहता है तो गाना नहीं चाहता, कोई वक्ता बोलता है तो कम लोगों को देखकर निराश हो जाता है क्या बोलेंगे। अगर ज्यादा भीड़ जुट गई तो बड़ा उत्साह होता है, या नाचने वाले सब लोग ऑडियंस देखते हैं कि ज्यादा लोग आना चाहिए। तो ये दोनों बड़े कलाकार हैं, सारा एकदम खचाखच जब भर गया तब पीछे से आए, और पीछे से आए आगे के अध्यायों में आप देखेंगे, आए तो गेट पर ही रखा गया था कुबलया पीड़ को एकदम रोक कर, और लोगों को एंट्री था लेकिन कृष्ण बलराम के लिए रखा गया था कि वो उन गेट पर ही काम तमाम कर दे। तो कृष्ण बलराम आए तो देखे कि गेट पर है, तो कहे महावत हटाओ हाथी, तो जोर से हाथी पर चाबुक मारा और दौड़कर हाथी अपने सूंड में पकड़ लिया कृष्ण को, और सरक करके एकदम बीच में आ गए और लगा घूमने। आगे सुनेंगे आप, अगले अध्याय में है। इसके बाद पूंछ पकड़ करके उसको घुमाने लगे, खूब घुमाए और घुमा करके खींचकर मारे और गिर पड़ा, और इसके बाद पैर रखकर उसके पीठ पर दोनों दांत उखाड़ लिए, मार डाले उस हाथी को और महावत को भी। इसके बाद दोनों भाई दोनों दांत लेकर कंधे पर खून से सना हुआ रंगभूमि में प्रवेश किए। जय बाप रे, देखकर कंस की हालत गंभीर हो गई, सूचना नहीं देना पड़ा, देख लिया कि जिसको लगाया था गेट पर उसी का दांत है, मामा जी उसी का दांत है, कंधे पर लेकर आ रहे थे, एकदम बढ़े उस मंच की तरफ। तो यहां वर्णन है कि अखाड़े में वापस लाने के लिए उनको नियुक्त किया गया, आओ आओ तैयार है, मामा जी इंतजार कर रहे हैं, आपके पिताजी भी चले गए, चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं, बुला कर ला रहे हैं। और इस तरह दीर्घा में, जो नीचे के दीर्घा था उसमें नंद बाबा बैठे, और आगे के अध्याय और इंटरेस्टेड है। जब कृष्ण बलराम चल रहे हैं वहां पहुंचे और पहलवानों से घोषणा की गई कि आप इनके साथ लड़िए, तो वहां जो स्त्रियां थी मातृ हृदय स्त्रियां, बाप रे बाप, कोई समझाने वाला भी नहीं इस मूर्ख को है, बज की तरह विशाल शरीर और ये मासूम बच्चे कोमल, कैसे लड़ेंगे इतना विषम जोड़ी। जो हालत जनकपुर की हुई जब भगवान धनुष के सामने उपस्थित हुए और वो धनुष रखा हुआ था शिव धनुष, तो वहां की स्त्रियां जो मातृ हृदय सोच रही हैं कि बाप रे, ये बच्चे कैसे धनुष तोड़ेंगे, ये मूर्ख जनक को कोई समझाने वाला नहीं है, ये ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर दिया, ये धनुष टूटेगा ही नहीं, अब बिना धनुष तोड़े अगर इन राम के साथ सीता का विवाह कर देता तो क्या हो जाता, इस प्रतिज्ञा के फेर में मूढ़ राजा क्यों पड़ा है, जनकपुर की स्त्रियां सोच रही हैं। कुछ लोग जो युवतियां हैं कहती हैं कि हमने जो तपस्या किया है सारे तपस्या के परिणाम से, हे देवी देवता, हे भगवान शिव, हे दुर्गे, हमारा सारा तपस्या लग जाए और ये राम धनुष तोड़ दे, जानकी के साथ विवाह हो जाए, सब लोग मना रहे हैं। तो उसी में कोई थोड़ी सी ईर्ष्या के भाव से एक सखी कहती है कि तुम लोग इतनी प्रार्थना कर रही हो, तुमको क्या मिलेगा, ये धनुष तोड़ेगा तो जानकी का पति होगा, हमको क्या मिलेगा। तो एक कह रही है, अरे बाबरी पगली, हमसे भी इनका संबंध होगा, जानकी का तो पति बनेगा, हमारा जीजा तो बनेगा ना। एक संबंध होगा ना, तो सब लोग यही चाह रहे थे। तो यहां मथुरा में भी तरह तरह की स्त्रियां बात कर रही हैं, बाप रे, ये बच्चे पहलवानों से लड़ेंगे,
इस मूर्ख को कोई समझाने वाला नहीं है। हमारे सामने देखते देखते पहलवान इन बच्चों को मार डालेंगे। हाय हाय मैं नहीं देखूंगी, भागने लगी दृश्य को देखकर। और वहां उनके रूप का वर्णन किया गया है, जो ज्योतियां देखती थी तो उनको साक्षात कामदेव लगते थे कृष्ण बलराम, और जो बड़े बड़े पहलवान देखते थे तो उनको वज्र जैसे लगते थे, कंस को काल जैसे लगते थे, और बूढ़े बड़े बूढ़ों को बच्चे जैसे लगते थे। माने 10 प्रकार के भावों को वहां रखा गया है। इस तरह से कृष्ण बलराम आए तो यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कंस व्यवस्थित ढंग से उन लोगों को बुलाया सम्मान करके। उसके मन में था कि ये लोग भाग ना जाए, लेकिन भागने का तो कोई सवाल नहीं। आए थे जिस काम के लिए तो मामा जी का काम तमाम करके ही जाएंगे। तो आएंगे फिर आगे के अध्याय में, आप सुनिएगा कंस बद्ध की लीला। यह है भगवान के भगवान कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश लीला। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ठीक है, समय बहुत कम था, जल्दी जल्दी बिट गया। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा? इसमें जिज्ञासा क्या है, लीला कथा तात्विक प्रश्न क्या है? जिज्ञासा यह है कि आगे क्या होगा उसको पढ़ लीजिएगा।